चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आयुष यानी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और वेटनरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि क्या जा सकती है 2024 की इन कोर्सेज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो अनएक्सपेक्टेड रहेगी, रैंक भी अनएक्सपेक्टेड रहेगी, कट ऑफ बहुत ही ज्यादा रहेगी, 620 से ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी है। ये मैं एमबीबीएस की कंडीशन में बता चुका हूँ, ये रियलिटी है दोस्तों। अभी जब एमबीबीएस की कट ऑफ 620 से ऊपर रहेगी तो बाकी कोर्सेज की भी कट ऑफ काफी ज्यादा रहेगी। तो आइए जानते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है आयुष और वेटनरी की। दोस्तों मैं आपको इसमें इतनी ज्यादा कट ऑफ बता के डरा नहीं रहा, आपने और भी काफी सारे चैनल देखे होंगे जो बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं, 610 बता रहे हैं, 615 बता रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ जनरल कैटेगरी की एमबीबीएस के लिए 620 से ऊपर ही रहेगी। और जब एमबीबीएस के लिए 620 से ऊपर रहेगी तो बाकी कोर्सेज के लिए भी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। तो आइए लास्ट राउंड की मैं आपको इन कोर्सेज की कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इनके लिए हमारी तीन बुक अवेलेबल है। एमसीसी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है उसके लिए बुक अवेलेबल है, ऑल स्टेट की जो काउंसलिंग होती है सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, और आयुष और वेटनरी की बुक की अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, ईएसआईसी, डीयू इंटरनल, बीएचयू, एमयू, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एफएमसी और सेंट्रल कोटा के बारे में जानकारी दी है। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज कट ऑफ 4 साल की दे रखी है, बॉन्ड की डिटेल, फीस की, सीट्स की, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और भी बहुत कुछ जानकारी इन बुक में आपको मिल जाएगी ऑल इंडिया की बुक में। इसी प्रकार से ये चॉइस लिस्ट दी गई है कि आप कैसे चॉइस करेंगे, कट ऑफ दी गई है ऑल इंडिया बुक में और फ्लो चार्ट से समझाया गया है। ऐसे ही स्टेट की बुक में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, हर एक स्टेट की कट ऑफ दी गई है, ट्यूशन फीस दी गई है और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है अलग अलग स्टेट का, वो सारा समझाया गया है। चॉइस फिल कैसे करेंगे 24 के लिए, ये भी हर एक स्टेट के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से आयुष वेटनरी में भी ये सारी सुविधाएं इस बुक में अवेलेबल हैं, कट ऑफ वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो में मोर पर क्लिक करेंगे तो इसमें इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तीनों बुक्स का लिंक दे रखा है, हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इनको बड़ी मेहनत से लिखा है, सोचता हूँ आपके लिए काफी काम आएंगे। अब बात करते हैं आयुष की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो बीएमएस की बात करें तो ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, वेटनरी की भी लास्ट राउंड की कट ऑफ है और आयुष की भी लास्ट राउंड की कट ऑफ है। और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एमबीबीएस बीडीएस की कट ऑफ हाई जाती है तो इन कोर्सेज की कट ऑफ तो हाई जाएगी ही जाएगी। तो बात करें हम लास्ट राउंड की बीएमएस की, तो यूआर कैटेगरी में 520 कट ऑफ जा सकती है। लास्ट राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, लास्ट राउंड EWS 517, OBC 520, SC 395 और ST 330, यानी कि जो MBBS की कट ऑफ होती है उसका 100 मार्क्स डाउन जाती है आयुष की कट ऑफ। कभी ऐसा टाइम आया करता था कि आयुष की कट ऑफ काफी कम जाती थी, लेकिन अभी आयुष को भी स्टूडेंट काफी लाइक करने लगे हैं। जिनको MBBS BDS नहीं मिलता है तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। BHMS की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए 430, EWS 428, OBC 425, SC 360 और ST 260 कट ऑफ रह सकती है। इसमें OBC और EWS का फ्लैक्चेट हो सकता है थोड़ा बहुत, इसमें 428 या इसमें 425 भी जा सकती है, EWS की 420 भी जा सकती है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स होता है इसमें। VHMS की बात करें तो UR कैटेगरी 440, EWS 430, OBC 435, SC 325 और ST 250 कट ऑफ रह सकती है आयुष के लिए 24 के लिए। ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। वेटनरी की बात करें ऑल इंडिया कोटा लास्ट राउंड की, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दो कैटेगरी होती है इसमें। ऑल इंडिया में भी प्राइवेट की 5 कॉलेजेज हैं जिनकी फीस 5 से 6 लाख रुपए के बीच में है, और गवर्नमेंट की जो कट ऑफ रहेगी यूआर के लिए 500, ईडब्ल्यूएस 494, ओबीसी 495। इसके बाद में बात करें एससी कैटेगरी की तो 390 और एसटी 375, गलती से एससी की जगह 405 लिखा गया है, ये एससी कैटेगरी है।
प्राइवेट की बात करें तो 350 यूआर कैटेगरी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस 250 जा सकती है, ओबीसी 260 जा सकती है और एससी 250 जा सकती है, एसटी 200 जा सकती है। ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है स्टे राउंड की प्राइवेट के लिए, जिनकी फीस 5 से 6 लाख रुपए ट्यूशन फीस होती है और सब कुछ मिला के 7-8 लाख रुपए पर ईयर का बैठ जाता है इनमें प्राइवेट वेटनरी के लिए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने आपको बताई है, बाकी सभी की कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं। अभी आप रिजल्ट का वेट करें, 14th जून को रिजल्ट आ जाएगा एनटीए का, नीट का। तब तक आप किसी प्रकार का कोई डिसीजन, किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके एक आइडिया के लिए इस प्रकार से ये कट ऑफ बता रहे हैं। बाकी आगे हर साल का अलग अलग सिचुएशन होता है, हो सकता है इस साल क्या सिचुएशन रहे, लेकिन आपको पहले से तैयार रहना है, एक धैर्य बना के तैयार रहना है कि इस प्रकार का जो रिजल्ट रहेगा इस साल का वो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड रहेगी और जो रैंक आएगी वो भी अनएक्सपेक्टेड रहेगी। ये आपको मान के चलना है अभी से, लेकिन रिजल्ट आने तक किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई किसी प्रकार का गलत कदम आपने नहीं उठाना है, किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट आने पर देखा जाएगा क्या होगा। तो ये जानकारी थी आयुष और वेटनरी की कट ऑफ, बाकी कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा एक्चुअल में कि क्या जा सकती है रैंक आने के बाद में। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।